करेंगे भोपाल का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां 100 करोड़ से अधिक की लागत से बने बीजेपी भवन का आज लोकार्पण कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल, जहां 10 मंजिला इमारत पर हेलीकॉप्टर से उतरने की जगह भी इस भवन में बनाई गई है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नए भवन का, बीजेपी के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। और सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। तो भोपाल में 100 करोड़ से अधिक की लागत से बने बीजेपी भवन का आज भूमि पूजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। गब्बर, 100 करोड़ से अधिक की लागत से बने बीजेपी भवन का आज लोकार्पण होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भोपाल पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज तो बीजेपी का नवीन भवन बनने जा रहा है, उसका आज भूमि पूजन है और इस भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भोपाल पहुंचे हैं, क्योंकि इनका 2 बजे का कार्यक्रम है और 2 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन अगर हम कार्यालय की बात करें कि जो ये भवन बनने जा रहा है, तो ये 10 मंजिला इमारत पूरी हाईटेक तरीके से रहेगी। अभी तक की कही जाए कि अभी तक किस तरीके की कोई बिल्डिंग या कोई भवन नहीं बना है, लेकिन ये जो भवन बनने जा रहा है, ये जो कार्यालय बीजेपी का बनने जा रहा है, ये 100 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनने जा रहा है। 10 मंजिला इमारत ये इतनी हाईटेक रहेगी कि इसकी जो छत है, छत पर ही हेलीकॉप्टर लैंड कर सकेगा। यानी कहा जाए कि ये इतनी बड़ी जगह में और इतनी जबरदस्त हाईटेक तरीके से बनाई जा रही है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता या फिर राष्ट्रीय पदाधिकारी जो आते हैं, उनके लिए कहीं और ना आना पड़े। यानी अगर कहा जाए कि इसके कहने करते हैं सीधे यहाँ आए, तो यहाँ बिल्डिंग पर वो उतर सकते हैं। साथ ही जो अभी फिलहाल में जनपद के कार्यालय जो बनाया गया है, वो आईटीओ का कार्यालय था और उस कार्यालय में शिफ्ट किया गया है। तो आपको हम दिखा सकते हैं, हमारे जो कैमरा पर्सन है सतीश जी, उनसे कहूँ मैं गुप्ता जी से, तो ये देखिए ये जो कार्यालय है, जिस कार्यालय में अभी फिलहाल में जो वहां पर चल रहा है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं पूरे तरीके से यहाँ पर आ चुकी हैं और एक श्रृंखला बना करके ये जो पूरी बीजेपी की कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि सुरेश पचौरी भी यहाँ पर बिल्कुल पूरा महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी पूरी इनकी सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है और ये महिलाओं में इतना जबरदस्त उत्साह है कि आप देखिए श्रृंखला में चाहे कोई भी हो, ये सारी महिलाएं पहले से ही जेपी नड्डा जी के इंतजार में खड़ी हुई है और स्वागत में खड़ी है। चलिए इनसे जानते हैं, आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए हम सभी बहने तैयार हैं यहाँ पर और बहुत उत्साह है सभी बहनों में, क्योंकि कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी बहनों के बीच में आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने बताया, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना का शुभारंभ, उसी के क्रम में बहने सभी धन्यवाद करने आई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और सभी आप देख रहे हैं प्रदेश कार्यालय में एकत्रित हैं जी, बिल्कुल। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लॉन्च किया है, तो कल से ही इसके फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, तो महिलाओं में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त उत्साह है। अगर भोपाल की कल की बात की जाए, तो 43 यानी 4300 से भी ज्यादा फार्म खरीद हुए हैं और इन फार्मों को भरने की जो कवायद की थी वो उच्च शिक्षा मंत्री बिस्वा नारंग ने की थी। तो आज महिलाओं में सिर्फ भोपाल जिले की अगर हम बात करें, तो 4300 से भी ज्यादा फार्म फिलिप हुए थे और इसमें भोपाल जिले की विधानसभा बैरसिया में सबसे ज्यादा फार्म फिलिप हुए थे। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है कि आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं,
उनका वो धन्यवाद करना चाहती है, यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद करना चाहती है, यहाँ पर उनकी छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर खड़ी हुई है, आप यहाँ पर आएंगे आप क्या करेंगे? किसका स्वागत करने आई है? जेपी नड्डा जी आ रहे हैं या मुख्यमंत्री शिवराज जी का किसका स्वागत? बच्ची चुकी शर्मा रही है शायद बताने में, सर आ रही है पहले हम बताएगी। अच्छा आप शिवराज जी का स्वागत करने आई हो? अच्छा जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं, स्वागत करने आए हैं, मम्मी के साथ आए हैं आप? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बिल्कुल, ये अपनी माँ के साथ में आई हुई है और इनके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखिए पूरी श्रृंखला बनी हुई है, ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर बिल्कुल इंतजार में खड़ी हुई है कि कब नड्डा जी यहाँ पर आए और कब उनका स्वागत करें। आप देखिए ये यहाँ पर पूरा बेहतरीन सजाया गया है, फूल माला से सुसज्जित किया गया है इस कार्यालय के लिए, और इस कार्यालय की अभी जो आप रूपरेखा या सुंदरता देख रहे हैं इससे कई गुना यानी हजार गुना इस बीजेपी कार्यालय की होगी, जो बीजेपी कार्यालय कुछ ही साल में यानी 2 से 3 साल में बन करके तैयार हो जाएगा। 10 मंजिला इमारत में सभी प्रकार की जो सुविधाएं होंगी, जो सुविधाओं के लिए कार्यकर्ता या फिर जो पदाधिकारी चाहते हैं, विधायक विश्वास विधायक रामेश्वर शर्मा जी का कहना है कि जो हमारे कार्यकर्ता प्रदेश से आते हैं उन कार्यकर्ताओं को होटल में रुकना ना पड़े, वो इसी बिल्डिंग में यानी जो नया भवन बनने जा रहा है उसी बिल्डिंग में ठहर सके, जो बाहर से उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यकर्ता राष्ट्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री जो आते हैं वो वही रुक सके, वही उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अभी तक जो कार्यालय था उस कार्यालय में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, साथ ही जो कार्यालय बन रहा है वो इतना जबरदस्त इतना बड़ी तादाद में इतनी उसकी रहेगी और इतना विस्तृत रहेगा कि उसकी सच्चे ही ऊपर जी गब्बर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गब्बर आपका। तो बड़ी खबर इस वक्त से आपको बता दें भोपाल से, जहां आज भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल पहुंच रहे हैं और इसी के साथ वो बीजेपी के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे।